दोस्तों इंडियन वुमेन टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के मार्केटिंग रनआउट से इंग्लैंड की बल्लेबाज चार्ली डीन को आउट करने का मामला अभी भी गर्म है। इस मामले पर लगातार क्रिकेट के दिग्गजों के बयान सामने आ रहे हैं। दीप्ति शर्मा के बाद अब रनआउट की शिकार होने वाली चार्ली डीन ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी। चार्ली ने अपनी गलती मानी और कहा कि अब से वो बॉल डिलीवरी के पहले क्रीज में ही रहेंगी। चार्ली ने सोशल मीडिया पर इंग्लैंड टीम के साथ कुछ फोटो शेयर किए और लिखा, गर्मियों का एंड दिलचस्प रहा। इंग्लैंड की जर्सी में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है और अब से मैं अपनी क्रीज में रहूंगी। बता दें कि भारत ने इंग्लैंड को 23 साल बाद उसके ही घर में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। इस सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के दौरान दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड की चार्ली डीन को मार्केटिंग आउट किया था, जिसके बाद चार्ली रोते हुए पवेलियन लौटी थी और दीप्ति के रनआउट करने के इस तरीके पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कई लोगों का मानना है कि दीप्ति का तरीका आईसीसी की रूल बुक के हिसाब से था, जो बिल्कुल सही है, तो कुछ इसको गलत बता रहे थे। लेकिन अब चार्ली डीन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उनका कहना है कि वो अब से बॉल रिलीज होने से पहले क्रीज में ही रहेंगी।